गुड मॉर्निंग मास्टर बंटी, हाउ यू? अंकल हाउ आर यू? ये हाउ यू क्या होता है? ओके आप वीना चलो चलो नवीन चलो. गुड मॉर्निंग नवीन भैया. बुच्ची एक्सप्रेस कमिंग. अगर रिक्शा से नहीं जाते तो गाड़ी से भिजवा दो ना. इतना सवेरे ड्राइवर कहाँ से आएगा? स्कूल बस भी तो नहीं चलाते ना इस मोहल्ले में. वो 2 किलोमीटर के अंदर पड़ता है ना मोती झील, तो बस पिकअप नहीं करता है यहाँ. मगर आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल हम सालों से इस मोहल्ले का बच्चा लोग को हम ही ले जाते हैं सफायर. बुच्ची अंकल, नो सॉन्ग टुडे. अरे यस यस सॉन्ग. कौन सा वाला? इंग्लिश वाला? बाबा विल एक्सेप्ट हम वाली बात यार, ये वाला ना. बाबा बिलक्सी वेंट अप द हिल, हैप्पी वैनी बॉर्डर अप द हिल. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग, दिस इज योर मैडम. प्रणाम. वन बच्चा सुभाष कुमार एब्सेंटी में है, बाकी ऑल परजेंट है. हाँ थैंक यू बच्चे. 4 बजे हाँ हम परजेंट रहेंगे टाइम पर. सो हाउ इज योर सन बुलबुल? स्कूल मैडम, बुलबुल डेली स्कूल, मगर सरकारी स्कूल ना मैडम. टीचर कभी कमिंग कभी गोइंग, बट हमरा बुलबुल वेरी फास्ट मैडम, बहुत तेज है स्टडी में. बट चांस नहीं है ना मैडम, वो सफायर तो है नहीं. अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट. आज वर्मा सर का फैमिली बीमार है, तुम लोग शांति मैडम का क्लास ज्वाइन कर लो. मगर शांति मैडम तो जस्ट बाहर गई ना. हाँ वो अपने बिजली का बिल भरने गई हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे. अरे ओ मिस्टर पढ़ाकू बुलबुल कुमार, सुने नहीं आप? क्लास ऑफ हो गया है. चल शंभू चल. जी सुमांचा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. चल शंभू बच्चा आराम से. हाँ अभी बैठ. हेलो लगा. देख बेटा झोला ना फटे. इस पर रख, इस पर. ये लो चॉकलेट बांट लेना सब. चॉकलेट फिर कभी ले लेंगे, आज तो एक किताब दे दो उस्मान चाचा. ये भी रख, ये चॉकलेट बांट लेना सब. और सुन बुलबुल बेटा, ये किताब की जिम्मेदारी तुम पर, ऐसे के ऐसी लौटनी चाहिए. जी चाचा. हम चलते हैं. हाफ शिफ्ट और करना पड़ेगा, कोई नहीं जाएगा. राधिका अभी रुकना पड़ेगा, सेठ का ऑर्डर है. माल का डिलीवरी आधे रात को देना है. हमारा ऑफ हो गया है आपको मालूम है. बेटा रिटर्न आता है स्कूल से इसी टाइम. अरे तो कोई दूध पिता बच्चा थोड़े ही है. देखो एक दिन कर लो, 25% एक्स्ट्रा मिल जाएगा ओवर टाइम का. उसको भूख लगता है इसी टाइम. अब देखो माल डिलीवरी में लेट होगा तो फिर पेमेंट में भी लेट होगा, फिर हमको बोलना मत. क्या हुआ? टीचर आए नहीं ना, तो क्लास जल्दी खत्म हो गया. तुमको आज राशन भी उठाना था ना, तो आ गए. चल पांडे बाबा, लास्ट मंथ भी इंस्टॉलमेंट गोल कर गया इना थुलाल, अभी फिर एयर फेर मत जाता है. भाई नेचर डिफॉल्टर है साला. सीज कर लो इसका गाड़ी. ठीक है बाबा. पेमेंट हमारा रेडी है पांडे बाबा, बस आज दे नहीं सकते. तुमको क्या लगता है ये पार्किंग का ठेका हमको फोकट में मिलता है? तुम लोग का रिक्शा फाइनेंस करने के लिए हमको पैसा का फ्री में आता है? साला कारखाना टायर ट्यूब मेंटेनेंस सबका दान पेटी से चलता है. बहुत डिफॉल्ट कर चुके हैं आप मिस्टर नथुलाल.
चले भी गए नाश्ता किया ना टिफिन। ए बुलबुल। हाँ माँ। देख तो तुमको तो बुखार है माँ। हैरान रहते थोड़ा एक गोली दे दे हमको हमारा भी फैक्ट्री का टाइम हो गया। कहीं नहीं जाएगी तू कंपल्सरी है बेटा पूरा हफ्ता का पेमेंट अटका देगा सुपरवाइजर आज एब्सेंट हुए तो कहीं नहीं जाएगी तू दवाई खा के सो जा चुपचाप। सर वो मदर बीमार पड़ गई तो बदली में आया है सर बहुत बहुत तेज है सर अपना काम भी फिनिश कर लिया और आपका भी नहीं सर वो तो बस तुम अपनी मदर की जगह खुद क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते सैलरी भी बेटर मिलेगा तू क्या कहा है स्कूल छोड़ के अरे काहे इतना फायर हो रहे हो तबीयत डाउन था हमारा और फिर कौन सा डेली मास्टर आता है इसका स्कूल में और भाई मिस्टेक आ गया तो क्लास तो गया ना आज उसका अरे इसलिए हम दिन रात अपना कमर तोड़ते हैं कि तू फैक्ट्री में मजदूरी करेगा उसका मिस्टेक नहीं है हम बोले तुम तो चुप ही रहो अरे तबीयत खराब था तो एक दिन एब्सेंट रह जाते कोई प्रमाण नहीं पलट जाता और तुम कान खोल के सुन लो पढ़ाई करना है तुमको बस वही एक रास्ता है इस नरक से निकलने का हम सारा कुछ भी करके खर्चा जुटाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तू अपना मायने इधर उधर मत हिलाना समझ रहे हो तुम चाहे कुछ भी हो जाए राधिका रानी आप भी सुन लीजिए फाइनल टाइम बुलबुल कुमार कभी भी फैक्ट्री में आपका बदली करने नहीं जाएगा उसका टाइम बस पढ़ाई में रहेगा हाँ पढ़ाई में रहेगा हम कभी भी सौदा पानी के लिए भी नहीं बोलेंगे उसको ठीक है हाथ मुंह धो के रोटी परोस के खा लो अपना हमारा माथा भारी हो रहा है बहुत तुम मेडिकल जाके भिक्स लेके आ हम मालिश कर देंगे इसका माथा पर कहीं नहीं जाएगा बुलबुल पढ़ना है उसको पढ़ ठीक है खुदे ले आ कहाँ जा रहे हैं बुलबुल के पापा रोटी खा लिए कहाँ कम है अभी बात किया होगा क्या बोलते हैं ना तू भैया कुछ सुनने को तैयार नहीं कहते हैं डेली डेली मरने से अच्छा है कि एक के बेर में जो होना है हो जाए अरे प्रदीप भैया हे प्रदीप भैया ये आपका बुक्स सब खराब नहीं हो जाएगा क्या कर रहे हो अंकल एग्जाम्स ओवर हो गया बुक्स नहीं चाहिए अब तो अब क्या होगा इस बुक्स सब का अंकल रद्दी हो गया सब कबाड़ में जाएगी बाय भैया एग्जाम कैसा गया अच्छा गया मैडम ये बाबूलू का बुक्स सब हम ले जाएं बुलबुल नाइन्थ में है सब पढ़ता है प्रदीप तेरा बैग अरे कीप द बैग अंकल हम सिंगापुर जा रहे हैं हॉलीडेज में न्यू वाला शॉपिंग करेंगे थैंक यू बाबा वेरी थैंक यू और बुलबुल का भी थैंक यू बच्चो 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 ओनली थैंक यू बस में सीधे ओ हां है ना ले लो थैंक यू अंकल आजा थैंक यू अंकल और एक ले लो थैंक यू अंकल हां आज एग्जाम ओवर हो गया जी
अब एक महीने का वेकेशन, नेक्स्ट मंथ 7 तारीख को खुलेगा स्कूल। बाय। मालूम है मैडम, हम 7 तारीख को मॉर्निंग 8:30 प्रेजेंट रहेंगे बच्चा लोग के साथ। गुड बाय मैडम। गुड बाय। ए बुलबुल, क्या है? देख ना, किताब है। ये क्या है? हाँ, ये वो बच्चा लोग फेंक रहे थे तो हम ले आए बुलबुल के लिए। हम इसका पूछ रहे हैं। ये वो हम अपना लिए लाए, वो कटिंग करके 60 रुपए जमा बनवाएंगे। फिर नंबर खेले हो और पिए भी हो? अरे नहीं, वो नथु ना जबरदस्ती मुंह में लगा दिए हैं हमको नीचे। सॉरी मामा, वो अच्छा तो लग रहा है, देखो। अच्छा देखो, डबल सॉरी। ये किताब सब हमारे काम का नहीं है बापू। क्यों? इंग्लिश में है, बहुत हार्ड है। नहीं नहीं, वो बात नहीं। तो है तो फिजिक्स केमिस्ट्री, मगर ये CBSE कोर्स का है। बात यही तो असली किताब है, और इसी को पढ़ के सफार का बच्चा लोग वो डॉक्टर इंजीनियर साहब बनते हैं। पढ़ तो हम भी ले। हाँ। मगर उस बोर्ड का परीक्षा तो नहीं दे सकते ना। काहे नहीं दे सकते? तो इतना फास्ट है बेटा, सब रट जाएगा। बात वो नहीं है बापू, हमारे स्कूल का स्टेट बोर्ड है, ये ऑल इंडिया का कोर्स है, इसका परीक्षा नहीं दे सकते ना हम, मगर हम पढ़ लेंगे इसको भी। टोटल बोर्ड आ गया है का बुच्ची? लाखों का खर्चा लगेगा सफायर में। पहले ही तू डे नाइट खट खट के तू रिक्शा का इंस्टॉलमेंट भर रहा है, अभी नया इतना हेवी लोन कौन देगा तुमको? आपका तो बैंक में भी चलता है ना पांडे बाबा, सुना है वहां से पढ़ाई के लिए मिल जाता है कम ब्याज पर। कितना भोला है तुम लोग भी। नथु से इंक्वायरी कर लो, गया था जनता सहकारी विकास बैंक अपना 55,000 का कर्जा डाउनलोड करवाने। क्या बोला मैनेजर? बोला पहले गारंटी खड़ा करो फिर बात करेंगे। तुम्हारा बच्चा स्कूल जा रहा है यही बड़ा बात है। सफायर इंटरनेशनल का स्कूल सपना बंडल है एकदम। बड़ा तेज है हमरा बुलबुल पांडे जी, वो रात भर में फुल किताब घोट जाता है। सरकारी स्कूल में उसका कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ने का सब मौका, सारा कंपटीशन वो सफायर वाले उठा लेता है, तो हमरा बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा? और वो CBSE भी तो सफायर से ही कर सकता है ना। अभी CBSE का है भैया, वही तो है असली पढ़ाई, ऑल इंडिया का चांस मिलता है उसमें। सही बात, इंग्लिश पढ़ गया तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है बुलबुल। बुलबुल अरे आदमी है कि अंडरवियर, इलेक्ट्रिक रिक्शा कुछ का कुछ भी, अरे तुम्हारा माथा में ये मैटर कभी एडजस्ट नहीं होगा। सच में बुच्ची, सैल्यूट करते हैं तुम्हारा सोच को, बहुत फॉरवर्ड है तुम्हारा विचार, मगर पॉसिबल नहीं है। बस यही रोक दो। प्रणाम मामा। जीत रहे हो। ये लीजिए। चलिए। लेट कर देते हैं आजकल, सो गया बुलबुल।
ये सीट में फंसा हुआ था, लगता है लास्ट पैसेंजर का छूट गया है। वो कल्याणी चौक का बैक साइड वाला गली में उतारे थे हम। लौटा के आते हैं अभी। संभल के जाइएगा। अरे अभी तक यहीं खड़े हो, इनको छोड़ दो ना श्याम टाकी के पास। और हाँ, भाड़ा मत लेना, मेहमान है हमारे। अरे अरे, अरे कोई बात हम दे देंगे। बैठी बैठी बैठी, कोई बात नहीं। ठीक है सर, मिलते हैं। ठीक जी, ठीक है। एरिक्सा भैया चलिए, स्टार्ट कीजिए अपना हेलीकॉप्टर, चलिए चलिए। हजार से ऊपर है। तुमको क्या लगता है पुलिस वाले खोज लेंगे बटवा का मालिक को? अरे अगर तुमको नहीं मिला तो उनको कैसे मिलेगा? खा पी जाएंगे सब आपसे में, मगर कुछ नहीं। यही सोचिए कि भगवान ने भेजा है कुछ आप ही का काम के लिए। ये आ गया भैया बुच्ची एक्सप्रेस। हटिए एक मिनट भैया, आइए आइए। अच्छा भैया, गुड मॉर्निंग, दिस इज मैडम। बाय बाय। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है बुच्ची? वो हम पूछ रहे थे कि हमारे यहाँ अपना एडमिशन कैसे होता है। पहले एग्जाम्स देना पड़ते हैं, फिर इंटरव्यू बच्चे का और उनके पेरेंट्स का भी, उसके बाद ही कमेटी डिसाइड करती है। हम सोचे बस वो एडमिशन का चार्ज फीस देने से हो जाता है। वो तो चाहिए, अगर टेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना। गुड मॉर्निंग, किसने पूछा तुमसे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब दिया है सफायर इंटरनेशनल की वेबसाइट पर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम अपना बुलबुल के लिए सोच रहे थे। सफायर में क्यों? वो तो पढ़ता है ना सरकारी स्कूल। वहाँ कुछ नहीं बनेगा ना मैडम, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बस यही सफार ही तो है। हाँ वो तो है, मगर बुलबुल को सफायर में कैसे पढ़ोगे? हम कर लिए इंतजाम मैडम, वो हमारा पुराना कुछ फंसा हुआ था क्लियर हो गया, वहाँ से हम फुल पेमेंट कर देंगे, भर्ती का भी और फीस भी हो जाएगा। मैडम आप एडमिट ले लीजिए ना, बहुत उपकार होगा मैडम, प्लीज मैडम। हाँ ठीक है, तुम आओ 12 बजे ऑफिस में आओ। कम कम कम, फास्ट।
बड़े हैं ये सब लोग मैडम, सब बड़े बड़े लोगों के बच्चे जी। आज एक से एक औहदों पर सक्सेस हो, कई तो विदेशों में भी नाम कर रहे हैं। सर आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, स्टूडेंट के लिए सारी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द प्रीमाइसेस ओनली। थैंक यू सो मच रजिस्ट्रार साहब, आपने हमारी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी है। बेटे को एडमिशन देके सिंगापुर कभी आइए आप फैमिली लेके एंड बी अवर गेस्ट। अरे सो काइंड ऑफ यू सिंह साहब, आप अपने बेटे की चिंता मत करें, यू डोंट वरी एट ऑल। थैंक यू सो मच, प्लीज प्लीज आइए प्लीज। बच्चे, मैंने बात किया है रजिस्ट्रार साहब से। हाँ। मना कर रहे हैं वो, सॉरी तुम्हारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता है। आप ऐसा मत कहिए मैडम, अगर आप लोग चांस नहीं देंगे तो कैसे उठेंगे हम लोग। ओह, तो ये है मिस्टर रिक्शा वाला। मैंने इन्हें बता दिया है सर। मैं इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हारा बेटा स्कूल जाता है, तुम उसे आगे पढ़ाना चाहते हो, सचमुच वंडरफुल थिंग है। पर क्या है, वो जहाँ पढ़ रहा है ना वहाँ उसके लिए अच्छा है, यहाँ तुम्हारा बेटा सेट नहीं कर पाएगा, और वैसे भी यहाँ का माहौल तुम्हारे घर और तुम्हारे बस्ती वालों के लिए सूट नहीं करेगा। साहब, हम अपना बुलबुल को बहुत अच्छे से रखते हैं साहब, और कोई फालतू घर का काम भी नहीं कराते हैं। समझाना इसे, पॉसिबल नहीं होगा। साहब, मैडम, आप हमको एक बार प्रिंसिपल मैडम से मिलवा दीजिए, बस एक बार मिलवा दीजिए प्लीज। जी वो पॉसिबल नहीं है, बहुत बिजी है प्रिंसिपल मैडम, और रजिस्ट्रार सर ने कह दिया तो समझो कुछ नहीं हो सकता। मैडम भैया, अब कितना टाइम पर घर जाती है प्रिंसिपल मैडम? 5 बजे। ए भैया। हाँ भैया। तो सफायर स्कूल का यूनिफॉर्म है? मिलेगा सर, साइज बोलिए। और 14 साल का है, लंबा। सम्राट अकबर ने मान सिंह को, मेरा बेटा है बुलबुल, बहुत अर्जेंट है, सॉरी सर, महाराणा प्रताप के पास। बापू क्लास चल रहा है अभी। अरे चल ना, बस समय नहीं है, घोड़ी देख के 5 बजे निकल जाती है। बापू सर आते, चल ना, चल 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 चल। मुगलिया सल्तनत की हुकूमत को मान सिंह ने, बच्चा क्यों खड़ा है यहाँ बारिश में, घर क्यों नहीं गया अब तक? ये रिक्शा वाला है मैडम, बच्चा लोग को लाता है। अरे तो बच्चे को घर क्यों नहीं ले गया अब तक, कितने परेशान हो रहे होंगे इसके माँ बाप। What's your name? Which class are you in? Good evening madam, my name is Bulbul Kumar and he is my father. बुलबुल? हमारा बेटा है मैडम, हमें गुच्ची पासवान, वो रिक्शा चलाते हैं, पिछले 7 साल से डेली बच्चा लोगों को सफायर लेके आते हैं, अच्छा लगता है उनको, बहुत अच्छा स्कूल है मेरे, एक से एक बच्चा लोगों को आगे निकलने का चांस मिलता है।
हमरा बुलबुल को भी मौका दे दीजिए ना मैडम। सरकारी स्कूल में मैडम कुछ नहीं होगा इसका, वही आखिर रिक्शा पर पैडल मारते रहेंगे मैडम। इसको नरक से निकाल लीजिए आप, इनका वो इंटरव्यू टेस्ट सब करा लीजिए। बहुत तेज है हमारा बच्चा, 100 में 100 लाता है अपना क्लास में। अरे ऐसे कैसे एडमिशन दे, आपको मालूम भी है इस स्कूल के बारे में? कैसे कैसे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? हाँ मैडम, उनको सब मालूम है। बड़े बड़े लोगों का फोटो देखा है आपका दीवार पर, यहीं से तो सब निकला है मैडम। सबसे ऊपर रहेगा फोटो हमारा बुलबुल का मैडम, आप बस एक चांस दे दीजिए मैडम। ठीक है, इनको लेके आइएगा। What is the difference between metals and non-metals? हिंदी में मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस होता है? सर मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नॉन मेटल्स में नहीं होते, इसलिए मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं। फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में सेम रीडिंग कब होती है? -40 degrees पर। डिफाइन फोर्स। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज पुश और पुल। और उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट? न्यूटन। प्राइम नंबर जानते हो? जी सर। सबसे बड़ा प्राइम नंबर बताओ। सर प्राइम नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है। इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन थे? सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? सर 1789 से 1799 तक। मोटो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मोटो? लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी। 2020 के समर ओलंपिक्स कहां होंगे? सर टोक्यो जापान। इस ग्लास में भरे पानी का वॉल्यूम कैसे निकालो? सर पानी के हाइट को पाई आर स्क्वायर से गुणा करके। मैडम चल, पढ़ा लिखा तो हम है नहीं, क्या बोलेंगे? डोंट वरी, तुमसे किताबी सवाल नहीं पूछेंगे, आइए चलो। कितने बच्चे हैं आपके? बस यही एक बुलबुल कुमार। आप और क्या करती हैं? स्टील बर्तन का फैक्ट्री में बफिंग का काम करते हैं, डेली 8 घंटा, मगर बुलबुल को पढ़ाई छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं। बुलबुल को कभी ट्यूशन कोई कोचिंग दिलवाया है आपने? नहीं, वो कभी लेता ही नहीं। तो वो तो खुद ही पढ़ता है, शंभू जेबा रतन मुनिया सूरज खलिया बस्ती का सब बच्चा लोग को ट्यूशन देता है। स्कूल की फीस के बारे में वगैरह पता है आपको? हाँ, हम सब कर लिए हैं, वो फीस ड्रेस किताब कॉपी एडमिट चार्ज सब कर लिए हम, कोई डिफॉल्ट नहीं होने देंगे साहब। मैडम ये रिक्शे वाले का बच्चा है फ्रॉम द स्लम्स, और मदर तो लेबर का काम करती है बर्तन फैक्ट्री में, आप कैसे उसे? तो उसमें गलत क्या है, मेहनत करते हैं वो लोग। एंड द चाइल्ड इज ब्रिलियंट एंड वेल बिहेव्ड। और आप लोग कॉन्फिडेंट हैं अच्छा परफॉर्म करेगा? मैम ये लड़का मेरिट लिस्ट में आ सकता है। आधे से ज्यादा तो एडमिशन किताब ड्रेस जूता सब में खत्म हो गया, अब सालों साल हर महीना ये फीस और खर्चे का लोड कैसे ढोएंगे? कुछ बोले क्या? नहीं। अब जाने दीजिए ना, देर हो जाएगा। चलो बेटा आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ चलो। नहीं हम लेकर चलेंगे।
चलिए उस्मान भाई, आप तो ग्रेजुएट होके भी रद्दी किताब बेच रहे हैं, अब देखते हैं आपका सागिर्द क्या गजब करता है। भला हो आपकी जुबान का बाबू भाई, हम तो जैसे तैसे सरकारी स्कूल में पढ़े, अच्छे थे पढ़ने में, मगर मौका ही नहीं मिला। और कुछ हम में भी कमी रही होगी, मगर बुलबुल के लिए दुआ करें, और अब तो इसके लिए सारे दरवाजे खुल चुके हैं। मगर बिल्कुल हमारे समझ के बाहर है रहमान भाई, ये चमत्कार हुआ कैसे? अरे भाई, पढ़ाई में अच्छा है वो बच्चा, अब सफायर वालों के टेस्ट में निकल गए। तेज हमारा सोनू कोई कम है का, मगर औकात यहाँ पैदल का, और सवारी खोजे एरोप्लेन। बिल्कुल बेटा, तुम नीचे आ जा। अंकल, योर सन? यस यस, मेरा सन। ये भी रिक्शा चलाता है क्या? ऋतिक बेटा, हाँ। नहीं बेटा, ये तो न्यू सफायर बॉय है, रिक्शा हम चलाते हैं, ये पढ़ाई करेगा। बेटा तुम नीचे बैठ। थैंक यू मैडम। एक मिनट रुकना तो। गुड मॉर्निंग। मैं लेके चलूंगी तुमको तुम्हारा क्लास और स्कूल दिखा दूंगी, ठीक है? गुड मॉर्निंग। चल बाय मैम। So you are new to the class. Will you please stand up and introduce yourself? Sir, my name. I asked you to stand up, please. Sir, my name. Louder, please. Ji, my name, Sir Bulbul Kumar. Oh, so we have a student conferred with knighthood right here in the class. Honored to have you, sir. So where were we with Samuel Taylor Coleridge? Day after day, we stuck nor breath nor motion. As idle as a painted ship. Upon a painted ocean. Water everywhere. Not a drop to drink. Why has the management decided to take you in this class in the middle of the term? Your board exams are coming up in a few months. You haven't even read the English books prescribed for CBSE course. And your grammar is poor to say the least. What on earth is wrong with the management? क्या ये अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश? अरे यार, डिक्शनरी है ये। प्रदीप, ये तेरा बैग है ना, देख। हाँ यार, मैंने फेंक दिया था, इसके डैड ने उठा लिया, बट इट्स ओके। यार रियली में तुम्हारे पापा रिक्शा चलाते हैं? हाँ, हम लोग उसी में तो स्कूल आते हैं। तो यहाँ कैसे, मतलब सफायर में? हमारे स्कूल में ही क्यों? बापू कहते हैं यही है आगे बढ़ने का रास्ता, नरक से निकलने का रास्ता। वाओ, पेपर में आया था ड्राइवर का बेटा मेडिकल क्लियर कर गया। अरे रिजर्वेशन में होगा। तुम क्या करोगे, इंजीनियरिंग, MBA? अरे ये सब सपने हैं मुंगेरी लाल वाले। तो क्या आप ही लोग को सपना देखना अलाउड है? देखो यार, तुम भी देखो, खूब सपने देखो, टाइम से उठ जाना मगर। यार वैसे ये बापू कौन है? Who is this बापू? बापू? रिक्शा वाला बापू। कोई सीधे बात भी नहीं करता हमसे। तो तू क्या सोचता था, फूल बिछा के रखे होंगे तुम्हारे लिए, आरती करके स्वागत करेंगे, सिंहासन पर बिठाएंगे? अपना औकात देख,
वो काहे खड़ा करेंगे तुमको अपना लाइन में? अरे हम बस्ती वाले लोग हैं, पगल बस सपना देखा है तुम्हारे बाप ने और मौका खड़ा किया है इतना मुश्किल से तुम्हारे लिए। अब अपना मन दबा के रख और वो करके दिखा जो है तुम्हारे अंदर। ये अब सिखा देगा तुमको अंग्रेजी। कदमों में पंख लगा और आहे, पालेंगे मंजिल अब राहे, वक्त से आगे हम तो बढ़ जाएंगे। सीने में आग लगी है राही, तूफान नस नस में राहे, हिम्मत कुछ ऐसा हम कर जाएंगे। हक से हम अपना तो हक पाएंगे। हौसला है ऊंचा हमारा, हौसला है ऊंचा, हम झूले आसमान। हौसला है ऊंचा हमारा, हौसला है ऊंचा, हम जीत ले दुनिया। हौसला है ऊंचा हमारा, हौसला है ऊंचा, हम झूले आसमान। नहीं सोचे घर पर भी जाके क्या करेंगे, एक और टीवी पर खींच लेते हैं। अगर तुम तो इतना बेताब रहते हो अपना बेटा से मिलने के लिए कि सवारी छोड़ के निकल जाते हो बिफोर टाइम। हाँ नहीं, वो दो तीन घंटा और लग जाएगा हमको। कितना हो गया सब मिलाकर? भी 3,000 कम पड़ेगा, कल ही आखिरी दिन है फीस का। हो तो गया था, एक नंबर से रह गया। कंप्लीट इंतजाम हो जाता अगला महीना का भी। कितने बार बोलेंगे नंबर मत खेलिए, सब गवा देंगे आप। सॉरी हो गया, कुछ करते हैं इंतजाम से मेरे। इंतजाम कर लिए हैं हम, एडवांस मांगे हैं फैक्ट्री से, कल मिल जाएगा। तो पहले से ही ओवर टाइम कर रही है पिछला एडवांस चुकाने वास्ते। हाथ का हालत तो देख, छिला गया है चमड़ी, तू रहने दे। 2 महीना में 10वीं का परीक्षा है बुलबुल का, एक एक टीचर तारीफ करते हैं हमारा बुलबुल। है ही अपना बुलबुल ऐसा। माय मम्मी। चलो 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 आ जा आ जा। अरे ये कौन बैठा है सीट पर, ये कौन है ये? वो सीट खाली था, मिस्टेक से बैठ गया। वो स्टूल पर बैठता है नीचे यहाँ। सफायर का ड्रेस पहन लिया तो क्या माथा पर बैठेगा? अपना औकात भूल गया रिक्शा वाला। माफी। उतरो बेटा नवीन, नहीं जाना इसमें। माफी कर दीजिए, वो बस ब्लंडर कर दिया हमारा बच्चा। नीचे बैठ। अब चलो हम पैदल पहुंच जाएंगे। नहीं बेटा वो नीचे बैठना है, बस सीट पर नहीं बैठना है ना। बच्ची एक्सप्रेस से पहले पहुंच जाएंगे शॉर्टकट से। बेटा आप इधर आए। सॉरी हो गया। अरे यही प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ। सॉरी हाजू। देख उससे पैसा ले लेना, ठीक है? काहे इतना डाउन दिख रहा है बुच्ची? हमारा इंस्टॉलमेंट भी डिफॉल्ट हो रहा है। वो बुलबुल का फीस जमा करने का लास्ट डेट था, अब से डेली कटवा देंगे। ध्यान रखना आप डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? पांडे बाबा ये कंप्यूटर 20,000 से ऊपर का है। रटुआ सेठ, तो आप 50,000 में डील कर लीजिए ना, आप ही का माल है। पांडे बाबा
कनेटवा, हाँ, एक साइकिल का इंतजाम हो सकता है? हो जाएगा, लेकिन कैसा चाहिए? मालखाने के बाहर पड़ा है सब। बापू ने दिलवाई है, टाइम बचेगा ना उसका। कितना मिली है? कंडीशन फिट है एकदम। बाय बापू। बाय बेटा, संभाल के जाना। हाँ, वो एक सेकंड हैंड डीलर है। अच्छा अच्छा, उस्मान भाई जो बेटा, नेक्स्ट इज इक्वल टू 15। वेरी गुड, गुड सर। हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कंटिन्यू। सॉल्यूशन टू, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 3। ठीक है बुलबुल, डील। हम तुम्हें इंग्लिश सिखाएंगे और तुम हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की। व्हाट रबिश, दैट्स नॉट फेयर। एक के बदले 3-3। इट्स अ डील पांडे जी। नमस्ते बड़े बाबू, प्लीज। ये फॉर्म दिया है सभी गार्जियन को, आप भी देख लें। ये का है बड़ा बाबू? बोर्ड एग्जाम के लिए स्कूल ने अरेंज किया है स्पेशल कोचिंग, सभी 10th के बच्चे ले रहे हैं। का करना पड़ेगा इसके वास्ते? 6 हफ्ते का इंटेंसिव कोर्स है। हाँ। 40,000 रुपये में सभी सब्जेक्ट का फुल कोर्स। 40,000? बुलबुल को भी लेना पड़ेगा? वो आप डिसाइड करो, कोई कंपलसरी थोड़े ना, मगर सभी बच्चे ले रहे हैं। बोर्ड का रिजल्ट ही लाइफ बताता है, गड़बड़ हुई तो सब माटी। मोती झील चलोगे रिक्शा? हाँ चलो, बैठे ना। चलो खाली इनकम टैक्स वाला होता तो कुछ कर भी लेते, साथ में वो विजिलेंस वाला सब भी था। हमारे यहाँ भी बेडरूम के गद्दा में सिलवा के रखे थे, कैसे सूंघ लिया, टोटल कैश लेके चला गया। पूजा का शॉपिंग भी मुश्किल है, प्रॉमिस किए थे बेटा को क्रिसमस में बैंकॉक लेके जाएंगे, सब कैंसिल। मंदिर आ गया। बस भैया थोड़ा टाइम वेटिंग कर लो, बृहस्पतिवार का दिन है, माता का आरती चल रहा है। और वेटिंग का एक्स्ट्रा ले लेना, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। भैया जरा ध्यान रखना सामान का। दुश्मन बहुत हो गया, देवी माँ सबका नाश कर दी। अब बस देवी माँ का ही आसरा है, जय हो। सब ठीक हो जाएगा, माँ का भजन कीजिए। अब सब ठीक हो जाएगा। अच्छा लग रहा है रिक्शा? अरे यही तो था, इधर ही होगा कहीं, नहीं दिखाई दे रहा है। भैया यहाँ पे एक रिक्शा लगा था, देखे कहाँ? यहीं पे। हम ही देखे? नहीं देखा, कितना बुरा टाइम दिखाएंगी माँ। हाँ बस यही बचा था, बर्बाद कर दिया। 75,000 से ऊपर का सामान था, पुलिस में कंप्लेन करवाइए। कृपया करके शतप हो जाइए, पुलिस में कंप्लेन कराने की सोची भी मत, ऐसे ही पैसे का सोर्स बताने में जान निकला हुआ है। क्या हुआ? चलो ऑटो। चलो
50% से ऊपर का सामान तो हमारे घर में एडजस्ट हो जाएगा। समझो पूजा का शॉपिंग हो गया वाइफ का। अरे बुलबुल रेडी नहीं हुआ तू? आज सरस्वती पूजा है ना चाचा, छुट्टी है। मगर बुलबुल का है ना हाफ डे का एक्स्ट्रा कोचिंग। चल चल बेटा, रेट मत कर, चल चल। बाबू हम बोल दिए थे स्कूल में, तैयारी कर लेंगे हम खुद से, कोचिंग का जरूरत नहीं होगा। कैसे जरूरत नहीं है, पीछे रह जाएगा तू। और हम फॉर्म भर दिए थे हम बाबू, खाली फॉर्म से। अरे पैसा भी जमा कर दिए हैं हम 50%। वो बड़ा बाबू से हम बात कर लिए हैं, बैलेंस अगला हफ्ता तक हम कर दें। बापू सच में मैनेज कर लेंगे हम। आप मैनेज करने का कोई जरूरत नहीं है, अब जाइए अपना कोचिंग। चलिए कहाँ है? अरे हम वो ले लिए थे पांडे जी से, बहुत अर्जेंट है उसका कोचिंग। बात तो हुआ था ना कि आपका ये लास्ट है, अब 10 का बोर्ड परीक्षा है, एक पैसा भी रिजल्ट गड़बड़ाया तो सारा मेहनत माटी नहीं हो जाएगा। हाँ मगर कितना जन्म लेना होगा कर्जा उतारने के लिए। अब जो भी करना पड़े, चाहे भूखे रिक्शा खींचे चाहे ट्रिपल शिफ्ट करे, लेकिन बुलबुल का पढ़ाई से कोनो समझौता नहीं हो सकता। बड़का लोग का बच्चा लोग से मुकाबला है उसका, पीछे नहीं रह सकता है, आगे निकलना होगा। देख लेना, चल रहे हैं। वो तो सब करते हैं मगर रिजल्ट पक्का करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ खर्चा वर्चा कीजिए, इंतजाम करवा देंगे। बोर्ड का सब सेंटर पे सेटिंग है अपना, और बोर्ड के रिजल्ट पे ही तो लाइफ बनेगा बुलबुल कुमार का।
थोड़ा कम कर दिया। कोई बात नहीं, इंग्लिश का पेपर हो गया, अब अगला हिस्ट्री का है। वो तो इसका फुल रेडी है। हे बुलबुल, क्या हुआ, पेपर ठीक नहीं हुआ? ठीक ही हुआ। हाँ। अरे अच्छा लिखा इसने भाई, मगर तुम का है इतना बदहवासी में हो। नहीं, वो हम हेल्पिंग का इंतजाम किए थे, मगर तुम तो आप किए थे। हाँ हम किए थे, इंग्लिश कमजोर है ना तुम्हारा। बुलबुल क्या हुआ? वही तो हम पूछ रहे हैं, इतना खर्चा करके सेटिंग किए थे हम, हमसे चोरी करवाने के लिए। किसने बोला था आपसे? अकाउंट वाले बड़ा बाबू बोले थे, सभी करते हैं, इंग्लिश कमजोर है ना तुम्हारा। तो चोरी करके नंबर लाएंगे हम, पकड़े जाते तो किसको मुंह दिखाते, सब खत्म हो जाता आज। कैसे खत्म हो जाता? वो फुल सेटिंग है उन लोग का, गारंटी का पेमेंट लिए थे हमसे। गारंटी था तो भी हम चोरी नहीं कर सकते बापू, समझ में नहीं आता आपको? चोरी का नंबर नहीं चाहिए हमको बस। आ गया है आजकल हमको, जाओगे क्या? आइए बैठ, दूसरा हिस्सा ले लेते हो, नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं हो पाएगा, बैठिए ना, हो जाएगा। हाँ जी, अब साइड होके बैठिए, बैठिए। अब अरे कहाँ भाई, हमरा तू हिसाब कैसे वेटिंग करेगा भाई? आजकल तुम्हारा वो एक्स्ट्रा बिजनेस भी ना के बराबर चल रहा है, काहे सोच का रहे हो? ऐसा बात नहीं है पंडित बाबा, आखिरी साल चल रहा है ना, तो सारा टोटल बुलबुल में खप जा रहा है, फीस के अलावा भी हजार खर्चा है। सीटिंग से तो चलेगा नहीं, हाथ पैर चलाइए। किताब को भी थोड़ा आराम देते बुलबुल और सो जा, हम उठा देंगे तुमको तड़के 4 बजे। सुबह को फ्रेश माइंड से उठ के पढ़ेगा तो रटा जाएगा। ब्रेड तो हम पहले ही लिए हैं माँ, हम तो रिवाइज कर रहे थे। बापू नहीं है अभी तक, थोड़ा खींच रहे हैं आजकल लेट, आते ही होंगे। रिक्शा आओ, रिक्शा आया। इसको पकड़ो, बंद किए ताला। हाँ बंद कर। हाँ चलो
बंद कर ताला, चलो चलो बेटे, ठीक से बैठ गए ना, चलो। बेटा कैलाश, अरे बेटा गाड़ी छूट गई क्या? है? कौन है? कुछ आवाज आई क्या? खोलता कह नहीं है, मुंह में मैला जमा है काले, हैं? कमाल है, साला नाम तक नहीं बता रहे। जाओ बताओ बड़ा बाबू को। सर, अरे बुढ़ा बुढ़ी अंदर ही थे, बाहर से लॉक कर दिया था। भेटना रहे साला, कंठ नहीं खोल रहा है। कबुलवा ये साले से आतंक कर दिया है, 6-7 महीना में हमरे कॉलोनी में ये चौथा केस है। अरे आपसे नहीं बोलता है तो हमरे हाथ में हैंडओवर कीजिए, 30 मिनट में पूरा कुंडली खुलवा लेंगे। आप ही से लिखवा लेंगे चार्जशीट श्रीमान। अब चलिए आप लोग रेस्ट कीजिए, हम कर लेंगे टेक ओवर। सर ध्यान रखिएगा, कीजिएगा सर, कीजिएगा जरूर। चिंता रहिए आप लोग।
खाए नहीं बाबू अब तक। केस नंबर 347/18 मुजरिम अज्ञात को लाइए आरोपी कौन है? श्रीमान आरोपी अपना नाम पता नहीं बता पा रहा है, फिंगरप्रिंट से भी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। इसका नाम पता जानने के लिए 14 दिन का पुलिस कस्टडी दिया जाए। हाँ ठीक है। फोन तो डिक्की में छोड़ दिए थे। तुम लोग चिंता मत करो, हम पता कर रहे हैं, एक एक थाना छान लेंगे। पहले कभी गायब नहीं हुआ ऐसे, कहीं कोई डाउट लग रहा है। अरे बाबू भाई भला सोचो, क्यों मनुष्य? अब हमको तो मालूम नहीं ना बुलबुल के लिए इतना पैसा आखिर कहां से आता था, कोई ना कोई डीलिंग ही तो हो सकता है। लास्ट 3 दिन का कंप्लीट लिस्ट चेक कर चुके हैं आप पांडे, अभी इस फेस का कोई बॉडी हमारे नॉलेज में तो नहीं मिल रहा। एक आरोपी है पर आप उसे गूंगा ही समझिए, सब उपाय हुआ पर कंठ नहीं खुला उसका। कुछ नहीं बोला पांडे जी, नॉट ए सिंगल वर्ड। क्या लगता है आपको पांडे जी? नहीं सर, आपको साफ बता रहे हैं। आते हैं पांडे जी। बहुत अच्छा किया वो सेटअप रखे, कुछ भी हो जाए एनी हाउ अपना डीलिंग के बारे में तो सांस भी मत लेना। हम ख्याल रखेंगे तुम्हारे फैमिली का और बुलबुल का भी, बहुत परेशान है तुम्हारी वाइफ, कहो तो उसको बता दें। ठीक है सेटअप ही रहेंगे हम भी। ज्यादातर रेजिडेंशियल एरिया है सर, मोस्टली रूटीन केसेस हैं, 24 हिस्ट्री शीटर्स हैं, सबका लोकेशन अपडेट है। और करंट केसेस के इन्वेस्टिगेशंस का क्या स्टेटस है? सब ऑनलाइन है सर। और वो शास्त्री नगर में फीमेल स्टूडेंट का किडनैपिंग केस, 2 टीम पहले से निकला था आउटी स्टेशन, आज और एक लीड मिला है, इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं सर। ये कौन है? 347/18 अज्ञात। सारा जतन कर लिए हैं सर, ये कुछ भी बोल नहीं रहा है, पीछे का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। बुलाओ उसको। सर बैठो। डरो मत, बैठो, चाय पियोगे? बोलो नाम क्या तुम्हारा? ये लोग कुछ नहीं करेंगे, बोलो घर कहाँ है तुम्हारा, बोल क्यों नहीं रहे? कुछ मिला भी था इसकी बॉडी पर कि नहीं? यस सर, सीधर इन्होंने अपलाइए। जी सर, पॉकेट में कुछ पैसा भी था और कुछ कागज पुर्जा भी सर। आइडेंटिटी का कोई पेपर नहीं था सर। ये बुलबुल कुमार कौन है? वेरी एक्सेप्शनल चाइल्ड, रिक्शा चलाते हैं उसके फादर, मगर टॉप करता है बुलबुल अपनी क्लास में, बहुत उम्मीद है हमें उससे बोर्ड की परीक्षा में। मिल सकता हूँ मैं इस बुलबुल कुमार से?
टेंथ के बच्चे अब तो मोस्टली सेल्फ स्टडीज या स्पेशल कोचिंग ट्यूटोरियल्स में बिजी हैं, रेगुलर क्लासेस नहीं हो रहे हैं उनके। मुझे उसका एड्रेस चाहिए। श्योर। वैसे बुलबुल के फादर पिछले हफ्तों से आ नहीं रहे, बच्चों को लाने के लिए हमें ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना पड़ा। साहब ये बुलबुल की वालदा है। कहाँ हैं बुलबुल कुमार के पिताजी? पता नहीं साहब, 8 दिन हो गया लौट कर वापस नहीं आए काम पर से। पहले भी कभी ऐसे गायब हुए थे? नहीं साहब, लेट हो जाते थे एक आध बार, पर देर सवेर रात तक वापस जरूर आ जाते थे। न जाने कहाँ चले गए, हम थाना अस्पताल सभी जगह ढूंढ रहे हैं। चिंता मत करो, मिल जाएगा, खोज लेंगे हम। बुलबुल कुमार कहाँ? यही है साहब, परेशान है वो भी, कोचिंग नहीं लगा उसका, तो कर रहा है अपने से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो साइन हुआ पी अपॉन एच। बुलबुल भैया चाचा को खोजने आए हैं। पानी का केमिकल फॉर्मूला बताओ। H2O। और नमक का? NaCl। चीनी? C12H22O11। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताओ। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आपके एक एक सवाल का जवाब देंगे सर, बस हमारे बाबूजी को खोज दीजिए। खोज देंगे। Sin alpha plus sine beta is equal to 2 sine alpha plus beta upon 2 into cos alpha minus beta upon 2। तुम अपने पिताजी की चिंता छोड़ दो, हम पता लगा लेंगे उनका। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ज्यादा टाइम नहीं बचा तुम्हारे बोर्ड्स में। अब लोग आ जाओ। बैठो। अंबेडकर नगर बस्ती, यहीं रहते हैं ना तुम्हारा बेटा बुलबुल कुमार और पत्नी राधिका? क्यों किया तुम ये चोरी और क्यों छुपा रहे हो? अब गलती हो गई सर। बैठो।
हमने ही गलती है सब साहेब, सब बर्बाद कर दिए। सरकारी स्कूल में पढ़ता था, हमने औकात से बड़ा सपना देख लिया हजूर, ऑल इंडिया स्कूल में पढ़ाने का। पार नहीं लगता था साहेब, तो कर्जा का पहाड़ खड़ा हो गया। खत्म कर दिया अपना बच्चा का लाइफ। बुलबुल को पता चल गया तो आपको कभी माफ नहीं करेगा साहेब। इससे पहले कि उसको पता चल जाए आपको फांसी में चढ़ा दीजिए हजूर, आपको जहर दिलवा दीजिए। तुमने बच्चे के लिए किया मगर गलत किया। और ऐसा नहीं है कि बस इंग्लिश मीडियम से ही लोग आगे निकलते हैं, सरकारी स्कूल और स्टेट बोर्ड से भी लोग अच्छा रिजल्ट करते हैं, सफल भी होते हैं। और मौका नहीं मिलता है ना साहेब। हमरे उस्मान भाई कॉलेज पास करके कुछ नहीं हुआ, वो किताब बेचते हैं साहेब सेकंड हैंड। हो सकता है उन्हें सही रास्ता ना मिला, लेकिन हमें देखो, हम भी अपने गांव के स्कूल में पढ़े हैं। तुमने भले ही बच्चे के लिए किया हो, लेकिन है तो गलत ही। कोर्ट से रियायत की बात भी करें तो भी सजा तो तुम्हें मिलेगी। उसका कोई बात नहीं है हजू, कोई बात नहीं है हजू, हम हर सजा भोगने को तैयार है। बस बोर्ड तक बुलबुल को पता नहीं चलना चाहिए साहब, वो पता नहीं चलना चाहिए साहब, हम चुपचाप हम सजा काट लेंगे साहब, हम चुपचाप सजा काट लेंगे, बस उसको पता ना चले। हमारे गलती का सजा साहब बुलबुल को नहीं मिलना चाहिए साहब। अम्बेडकर नगर बस्ती चलो सर। नेटवर्क के हर ब्रांच में करंट डिटरमिन करने के लिए है कर्चॉफ्स रूल, अननोन्स को रिड्यूस करने के लिए। कर्चॉफ्स फर्स्ट रूल करेक्ट। अब हमारे पास है 3 अननोन्स, I1, I2 एंड I3, जिन पे हम अप्लाई कर सकते हैं कर्चॉफ्स सेकंड रूल टू 3 डिफरेंट क्लोज लूप्स। करेक्ट, ट्राई करो। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? किसी लेंस या कर्व मिरर की ऑप्टिकल पावर की मेजरमेंट यूनिट है डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस पी इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ लेनी होगी मीटर, ये जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करो, फिर सॉल्व करने की कोशिश करो उस तरह से। वेरी गुड। कहा इंस्पेक्टर साहब, कितना बजे तक का प्रोग्राम है एसपी साहब का? अब साहब हैं, जब तक चाहें कुछ भी डेफिनेट नहीं बोल सकते हैं। हेलो हेलो, ऐसा तो कभी नहीं सुना आज तक, ना भूतो ना भविष्यति। अद्भुत व्यक्ति है भाई, रात के 2 बजे तक क्लास किया, आखिर कारण क्या हो सकता है, चाहता क्या है वो? खलबल्ली मच गया है पूरा बस्ती में विधायक जी, सभी बच्चा लोग शाम से ही कापी किताब लेके बैठा रहता है एसपी साहब के वेटिंग में। सर, एसपी साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिक्स के टॉपर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट सर। ट्रेन की लेंथ पता करने के लिए पता करते हैं कि उसने 9 सेकंड में कितनी दूरी तय की। ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, वो कैसे करेंगे? मीडिया को रोको सर, जाओ जाओ, रुकिए आप लोग, कैमरा पार्टी प्लीज, के सब रुकिए इन लोगों। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार।
क्या कर रहे हैं सर आप? हम कहाँ कर रहे हैं, कर तो आप रहे हैं इतना बड़ा लोक कल्याण का काम। अरे एसपी साहब, इसका तो पब्लिसिटी होना चाहिए ना। विधायक जी, कोई ऐसी बात नहीं है, गरीब बच्चे, हम तो बस थोड़ा हेल्प कर दे रहे हैं। थोड़ा हेल्प? अरे एसपी साहब, इतना महान काम कर रहे हैं, मगर इसका सारा पुण्य आप ही बटोर लीजिएगा क्या? आखिर हमारा भी तो शहर बनता है ना। आइए बात करता, आइए आइए, पूरा शहर आप ही का है विधायक जी। हम बोल देंगे मीडिया से कि आप ही के प्रेरणा से हमने इनको पढ़ाया, मगर इसका फायदा तभी मिलेगा जब इनका रिजल्ट अच्छा होगा। अगर अभी फोटो और खबर आ गई तो इनका मन पढ़ाई से उठ के पब्लिसिटी में लग जाएगा। हमारा अनुरोध है कि एक बार रिजल्ट आने दीजिए, फिर आप फूलमाला के साथ शानदार वाला फंक्शन कीजिएगा। ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। ठीक, समझ में कुछ आया नहीं बड़ा बाबू। एक लापता के सर्च में एसपी साहब पर्सनली अंबेडकर बस्ती जाते हैं और वहां जाकर अध्यापक बन के डबल रोल करने लगते हैं। छापेंगे तो साला पब्लिक फेक न्यूज बोलेगा। अरे कहाँ पचड़ा में पड़ गए हैं, चाय पीजिए। आप स्टोरी शेयर कर नहीं रहे हैं सर। अरे कोई स्टोरी नहीं है, चले जाते हैं साहब, हेल्पिंग नेचर है ना साहब का। कुछ पूछ भी रहे थे का एसपी साहब? बात का है पांडे जी। नहीं मतलब एसपी साहब, वो पुच्ची के बारे में कोई इंक्वायरी? नहीं, बस इतना ही कि चिंता मत करो, मिल जाएगा। वो बोले हैं तो ओके ही होगा, अगर कोई पुलिस का खास इंक्वायरी होगा तो हमको फोन कर देना। ठीक पांडे जी, आपको कुछ पता चला है का? नहीं नहीं, पता चलेगा तो हम, आप कुछ भी हो जाए बता दीजिए हमको। संसार में सांस लेना मुश्किल हो रहा है पंडित जी। बुलबुल के बापू खास मानते थे आपको, आपको तो सब पता ही है। कुछ भी उलट सुलट हो गया उनके हाथ पे, बता दीजिए, कैसे भी होगा पूरा कर देंगे हम। बस एक बार घर आ जाए। मिल जाएगा, देर सवेर मिल जाएगा, लगे तो हुए हैं। सर वो अम्बेडकर नगर वाला चार्जशीट रेडी हो गया है। अज्ञात के नाम पर ही फाइल कर दो। सारे आंसर्स तो करेक्ट हैं तुम्हारे, मतलब 100 में 100। प्रीलिम तो ठीक हो गया, बोर्ड की तैयारी शुरू करो। शाबाश। चलो केमिस्ट्री निकालो। 4 हफ्ते में बोर्ड्स के एग्जाम्स होंगे, हमें तैयारी का मोमेंटम ऐसे ही बनाए रखना है। यू हैव मोस्ट सर्टेनली मेड अ मार्क, वेल डन। इंग्लिश छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट में हाईएस्ट, या बेटा पैदा किया रिक्शे वाले ने? लगता है आपको मालूम नहीं है, सुपर कोचिंग मिल रहा है सुपर कॉप से इनको। एसपी कैलाश आनंद पर्सनली एवरी नाइट क्लास लेते हैं बस्ती में। अपने एसपी साहब? जी, गोल्ड मेडलिस्ट है यूनिवर्सिटी में, टॉपर इन साइंस। नो वंडर, तभी तो टॉप किया इस रिक्शे वाले के बेटे ने। नमस्कार एसपी साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार, आइए बैठिए। आप तो कभी हमारे गरीब खाना पधारे नहीं, हम तो जनता के सेवक हैं, हमको तो आना ही पड़ेगा। वाह एसपी साहब वाह, क्या रिजल्ट दिया है आपने बुलबुल कुमार का। हम लोग को तो मालूम ही नहीं था कि इस खाकी वर्दी के अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ है। जब आपका मैजी की बस्ती वाला बच्चा सबको चमका देता है, जरा सोचिए, हम लोग का बच्चा सब तो आसमान फाड़ देगा एसपी साहब। बस आपका लिटिल सपोर्ट मिल गया तो। ये हमारे राजकुमार शाह जी हैं, अपना कमर्शियल बिल्डिंग का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वो पूरा अवेलेबल करवा देंगे, एक साथ 500 स्टूडेंट कोचिंग कर सकता है उसमें। पूरी एयर कंडीशन है, टोटल जनरेटर पावर बैकअप। मंत्री जी जब भी आते हैं ना तो अपना सब पॉलिटिकल मीटिंग वहीं करते हैं। वो आपका गजबज अंबेडकर बस्ती में जाने का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा, और बस्ती का बच्चा सब वहीं आके एडजस्ट हो जाएगा।
धन्यवाद आप सब लोगों का। आप शायद भूल रहे हैं कि हम यहाँ के एसपी हैं, कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है हमारी। उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम बस्ती के बच्चों के साथ हम स्वेच्छा से अपने व्यक्तिगत समय से निकाल के उनकी मदद कर देते हैं। उनके पास साधन नहीं है, आप सब समाज के मजबूत लोग हैं, आपके पास हर तरह का साधन है। अब जो भी चाहें जुटा सकते हैं, फुल टाइम टीचर कोच रख सकते हैं। हम तो पूरा समय भी नहीं दे पाते बच्चों को, हमारे टाइम का तो कोई ठिकाना है नहीं। देर सवेर जाते हैं तो बच्चे जमा हो जाते हैं। हमेशा के लिए थोड़ी ना, एक दो महीना का तो बात है एसपी साहब। और ऐसी बात नहीं है एसपी साहब, आप अगर चाहें और इशारा करें तो हम और भी तरह से कॉम्पनसेट करने को रेडी हैं। तो आप लोगों का प्रपोजल है कि हम वर्दी उतार के प्रोफेशनल कोचिंग शुरू कर दें। इतना तक देंगे आप लोगों के दिमाग में पैसे के अलावा और भी कुछ समझ में आता है कि नहीं? वो जो बच्चा है बुलबुल कुमार और बस्ती के और भी बच्चे, वो हमारी वजह से नहीं, अपनी भूख की वजह से, अपनी क्षमता की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से अच्छा करते हैं। हम तो बस उन्हें थोड़ा रास्ता दिखा देते हैं और वो चमकने लगते हैं। आपके बच्चों में भी वो क्षमता है मगर वो भूख नहीं है। मुझे उनको सिखाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जो भी चाहे अम्बेडकर नगर बस्ती आ जाए और बस हम सिखा देंगे, लेकिन मेरे समय पर, कानून व्यवस्था के टाइम के अलावा, जैसे वहां के बच्चे देर रात तक मेरा इंतजार करते रहते। तो आप हमारे बच्चों के भविष्य निर्माण में सहयोग की प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेंगे? आप बिल्कुल गलत अर्थ निकाल रहे हैं हमारे विचार। माफ कीजिएगा एसपी साहब, गलत सही सब समझ में आ गया है हमको, सॉरी आपका टाइम डिस्टर्ब किया। बहुत डिवाइडिंग नेचर का आदमी है ये मंत्री जी, टोटल सपोर्ट सिस्टम हिला दिया है एसपी, फुल टेंशन के आतंक में जी रहे हैं लोग। श्रीमान जी, इस ऑफिसर के रहते तो हम इलेक्शन का गारंटी नहीं ले सकते। ठीक है, तो जल्दी ट्रांसफर ऑर्डर निकलवाई। ओके। सर ये केस नंबर 347/18 मुजरिम अज्ञात को लाइए। अज्ञात का पता चल गया, बताना इसका नाम पता चला है सर, इसका नाम बिची पासवान है, वारंट इसका नाम सर बिची पासवान चेंज कर दिया। हुजूर, विवेचना के दौरान इसका नाम पता मिला है और पुलिस का निवेदन है कि वारंट में इसका नाम अज्ञात सूची से बूची पासवान में परिवर्तित किया जाए। रिकॉर्ड पर लीजिए, इस केस की हकीकत संजोग और आरोपी का गुनाहित इतिहास न होने की हकीकत एवं प्रस्थापित न्यायिक सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी बुच्ची पासवान को आईपीसी की धारा 380, 457 और 511 के तहत 3 साल के कारावास और ₹5,000 जुर्माने की सजा आज इस अदालत में सुनाई जाती है। उपरोक्त धाराओं के तहत घोषित की गई सजा 1 संग काटने का आदेश दिया जाता है। नंबर 522/16 मुजरिम संतोष मंडल को हाजिर किया जाए। मुझे मैंने सब कुछ बता दिया तुम्हारे बच्चे को, बताना जरूरी था, तो आसान नहीं है ये बुलबुल के लिए, लेकिन वो समझ गया है। सर हमने बहुत किया है साहब, हमारा भाग्य खुद था। बहुत कठिन परीक्षा है तुम्हारी, पर हिम्मत मत हारना। तो गलती हो गया बेटा, बहुत मिस्टेक हो गया बेटा, बहुत बहुत गलती कर दी हम,
सब बर्बाद कर दे। ये आप ही के हस्बैंड है ना, बुच्ची पासवान? आपको कब से मालूम है इनके इस धंधे के बारे में? देख, किसी को कुछ नहीं मालूम है, कोई नहीं जानता था हमारे इस कांड के बारे में, कोई नहीं जानता था। तेरा बाप गलत आदमी नहीं है, तुम्हें शर्मिंदा होने कोई जरूरत नहीं। ये देखिए, रिक्शा वाले चोर का टॉपर बेटा। आखिर आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं इस गंदी नाली के कीड़े चोर के बच्चे से, टॉप करेगा तो चोरी से। अरे कैंसिल करवाइए उसका कैंडिडेचर मैडम, हमारे घर के बच्चे क्या मुंह दिखाएंगे, चोट्टा के बेटा के साथ एग्जाम में बैठेंगे। विश्वास तोड़ दिया आप उसको एडमिट करके, सारा रेपुटेशन जीरो। हमने मैनेजमेंट को बोल दिया है, अपना मिस्टेक सुधार ले। समाज में ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट पनपने नहीं दिया जा सकता है। बुलबुल कुमार का एडमिट कार्ड कैंसिल होगा, बोर्ड का परीक्षा नहीं दे सकता है वो। क्या नाम है? ठीक है चलिए।
कर दिए हम, क्या कर दिए, माफी के भी लायक नहीं रहे अब तो। तीन दिन में बुलन पैसा है और बुलबुल को एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं। पुराना बोरन भी नहीं बैठ सकता है, फॉर्म ही नहीं भरा, क्या करेंगे? सब गलती हमारा है, सारा दोष हमारा है। बापू चुप रहो, बस कोसना बंद करो अपने आप को। आपने गलती की, चोरी किया और आपने उसे कबूल किया, उसकी सजा भी भुगत रहे हो, मगर आपने ये सब मेरे लिए किया, मेरी जिंदगी बनाने के लिए, मुझे मौका देने के लिए किया। बचपन से लेकर आज तक आप हमारे लिए ही करते रहे, खुद पढ़े लिखे नहीं थे मगर हमारे लिए किताबें बटोर के लाते रहे। आज मैं जो भी हूं आप दोनों की वजह से हूं। दुनिया चाहे जो भी बोले बापू, आपसे बढ़ के कोई बाप नहीं हो सकता। का फैसला सफाया इंटरनेशनल स्कूल की बोर्ड मीटिंग में किया जा रहा है। उसके पिता रिक्शा चालक बुच्ची पासवान के चोरी के अपराध में जेल जाने के साथ ही स्कूल मैनेजमेंट पर बुलबुल कुमार के एडमिट कार्ड को रद्द करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। शायद आप लोग समझ नहीं रहे, बुलबुल कुमार ने अपने क्लास में टॉप करने के साथ बाकी बच्चों को भी इंस्पायर किया है, क्लास का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है। मैम बोर्ड का फैसला आपको मिल चुका है, न्याय नीति असूलों की बात तो बुलबुल कुमार के फादर को सोचना चाहिए था अपराध करने से पहले। उसे स्कूल में एडमिशन देके हमने जो गलती किया है उसे आज सुधारने का मौका है। हम अपने इस महान इंस्टीट्यूट के रेपुटेशन को बचा सकते हैं उसका एडमिट कार्ड कैंसिल करके। ये संदेश देना बहुत जरूरी है कि हमारा स्कूल क्रिमिनल्स को सपोर्ट नहीं करता। कैंसिल के लिए अरे किस किस को जवाब देंगे? उसे बुलाने की और बात करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली बोर्ड का डिसीजन उसे। मुझे बहुत अफसोस है बुलबुल कि स्कूल बोर्ड का निर्णय तुम्हारे खिलाफ है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि तुम्हें बोर्ड की परीक्षा में बैठने दिया जाए। क्या इसीलिए कि मेरे पिताजी चोर हैं? ऑफ कोर्स, और ये आरोप कोर्ट में सिद्ध हो चुका। वो तो जेल में अपने अपराध की सजा काट रहे हैं, मगर हमें किस अपराध की सजा मिल रही है? तुम्हारी पढ़ाई चोरी के पैसों से हो रही है और ये क्राइम है। बट सर हमने तो अपने पढ़ाई में कभी चोरी नहीं की, सच्चाई और मेहनत से तैयारी की और सारी परीक्षा पूरी ईमानदारी से दी। आप चाहे तो हमारे किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं। और सर आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि मेरे पिताजी ने चोरी क्यों की। सर दिन रात वो रिक्शा खींचते थे, मेरी माँ के हाथ खून खून हो जाते थे फैक्ट्री में खट खट के, मगर फिर भी वो लोग नहीं जुटा पाते थे स्कूल की फीस और खर्चा, तो पूरा करने के लिए चोरी करते थे। ये उनकी मजबूरी थी। आप प्लीज मुझे इस परीक्षा में बैठने से मत रोकिए। ये स्कूल हमारे लिए भी महान है सर, सब कुछ यहीं से मिला है,
मौका मिला है। जिंदगी में आगे बढ़ना भी यहीं से सीखा है। अब समय आया है स्कूल के लिए कुछ करने का। सर, टॉपर हूं मैं अपने क्लास का, बोर्ड में अपने महान स्कूल का नाम ऊपर लाऊंगा। ये परीक्षा मत छीनिए हमसे। जाओ, तैयारी करो, कोई नहीं रोक सकता तुमको, अब ये परीक्षा भी नहीं। Congratulations. Thank you, madam. तुम लोगों को भी बहुत बहुत congratulations. Thank you, ma'am. पास करिए, बड़ा सुखी हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ी चीज़ पास कर।